डिजिटल ऑब्जेक्ट डिजाइन में आज जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है हमारे पास लैच। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो सिक्वेंशियल सर्किट के उसके अंदर हमारा एक लैचेस होती हैं एंड फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं। तो आज के जो टॉपिक है उसमें हम जो है वो लैच को डिस्कस करेंगे। तो लैच क्या है, हमारे पास एक बाइनरी एलिमेंट है जो लैच है। लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि लैच ने जो है वो कोई मेमोरी स्टोर करनी है, या तो वो जीरो होगी या वन होगी। तो लैच जो है वो हमारी बेसिक क्या है, बाइनरी स्टोरेज एलिमेंट है जो स्टोर कर सकता है वन बिट। या तो वो जीरो होगा या वन होगा, ये एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है वन बिट, या तो वो जीरो होगी या वन होगी, ये भी हमने लास्ट में डिस्कस कर दिया था। अब जो हमारे पास लैच का सर्किट है वो दो टाइप से बनता है, एक तो है वो नॉर गेट से बनता है और एक बनता है नैंड गेट से। तो हम नॉर गेट की जो है वर्किंग वो देख लेते हैं, उसी के ही थोड़ा सा ऑपोजिट अगर हम देखें तो वो हमारे पास नैंड गेट की वर्किंग हो जाएगी। तो नॉर गेट का जो है वो लैच का जो सर्किट है वो मैं बना लेता हूँ। ये जो पूरा सर्किट हमारा बना है ये हमारे पास है एक लैच का सर्किट जो हमारी वन बिट को स्टोर करेगी, आइदर जीरो और आइदर वन। इसमें हमारे पास दो नॉर गेट यूज हो रहे हैं, एक नॉर गेट ये है हमारे पास और एक नॉर गेट हमारे पास ये है। देन इस नॉर गेट की जो आउटपुट आ रही है वो फीडबैक होके इस नॉर गेट की इनपुट बन रही है, इसी तरह इस नॉर गेट की जो आउटपुट आ रही है वो फीडबैक होके इस नॉर गेट की इनपुट बन रही है। यहाँ पे मैंने लिखा है R एंड यहाँ पे लिखा है S। R डिनोट कर रहा है रीसेट को एंड S डिनोट कर रहा है सेट को। Q हमारे पास जो है वो एक आउटपुट है हमारे पास जो इस पाथ से हमारे पास आ रही है, एंड सेकंड आउटपुट है हमारे पास क्यू बार जो इस पाथ से हमारे पास होके आ रही है। अब हमारा जो लैच, हमारी जो लैच है वो डिपेंड कर रही है हमारे नॉर गेट्स पे। तो इसका मतलब है हमें नॉर गेट का ट्रुथ टेबल भी पता होना चाहिए कि हमारे पास नॉर गेट की वर्किंग एक्चुअली क्या है। इसमें दो इनपुट्स, टू इनपुट नॉर गेट है तो हम टू इनपुट नॉर गेट का हम ट्रुथ टेबल चेक कर लेते हैं। नॉर गेट हमें पता है कि क्या होता है, अपोजिट ऑफ ऑर गेट। तो ऑर गेट हमारा जो है वो हर जगह जीरो के अलावा बाकी सब जगह पे हाई होता है, तो इसका मतलब है नॉर गेट हमारा अपोजिट होगा, सिर्फ इस केस में हाई होगा एंड बाकी सारे केस में हमारे पास जीरो आउटपुट जनरेट करेगा। ये हमारे पास आ गया है नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे कि जो हमारा ये लैच का सर्किट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे जो है वो वन बिट की वैल्यू को जो है वो स्टोर करता है, और इन कम्बिनेशंस के ऊपर वो कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा और किस तरह स्टोर करते हैं। उसको चेक करने से पहले जो है वो हम रीसेट और सेट को कुछ जनरल देख लेते हैं कि हमारे पास इनको अगर डायरेक्टली हम देखना चाहें तो ये हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। अगर हमारा रीसेट इज इक्वल टू आर, अगर ये हमारे पास जो है वो हाई होता है, इसका मतलब है रीसेट की वैल्यू अगर हमारे पास हाई हो जाती है तो हमारे पास क्यू जो आउटपुट है हमारे पास उसका आंसर जो है वो हमारे पास जीरो आएगा, क्योंकि रीसेट होगी, इसका मतलब है कि जो क्यू है वो जीरो हो जाएगा। और अगर इफ हमारे पास सेट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वन हो जाता है तो हमारे पास क्यू का आंसर जो है वो वन आ जाएगा, क्योंकि हमारी वैल्यू सेट होगी और वो वन हो जाएगा क्योंकि आउटपुट जो है वो हमारे पास। अब इसी तरह जो है हम ये जो हमारे कम्बिनेशंस हैं 1, 2, 3 एंड 4, इन कम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपनी लैच की वर्किंग को जो है वो फर्दर प्रोसीड करते हैं। लैच से सबसे पहले हम केस वन ले लेते हैं। केस वन में हमारे पास s इज इक्वल टू जीरो और r इज इक्वल टू वन है। इसका मतलब है हमने कौन सा केस
ये वाला जो केस है हम सबसे पहले ये स्टडी करने लेंगे। इसी तरह वन बाय वन हम बाकी केसेस को भी जो है वो देखेंगे कि अगर हमारे पास s की वैल्यू 0 हो जाए एंड r की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए तो हमारे पास इनपुट तो हमें पता लगी है s एंड r। अब हमारी आउटपुट इस इंस्टेंस पे क्या होंगी हमने वो कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे पास हम जो है वो अपनी इनपुट्स ये जो यहाँ पे हैं 0 एंड 1 ये अपने सर्किट में लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले सर्किट में रीसेट की वैल्यू क्या है 1 है एंड सेट की वैल्यू है हमारे पास 0। अब देखें अब हमारे पास यहाँ पे है 2 इनपुट नॉर गेट, इसका मतलब है इसके पास 2 इनपुट्स होंगी तो ही ये वर्क करेगा। सेम इसी तरह यही केस हमारे पास यहाँ पे भी है कि अगर यहाँ पे भी 2 इनपुट्स होंगी तो ये वर्क करेगा, लेकिन हमारे पास अभी एट इस टाइम पे 2 इनपुट्स तो डायरेक्टली नहीं है। हमारे पास r की एक वैल्यू है एंड देन s की एक वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है। हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ट्रुथ टेबल में कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू भी मिल जाए तो हमें दूसरी इनपुट को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से यहाँ पे अगर एक इनपुट इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर 0 0 तो हमारी जो है आउटपुट इस पे तो डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब है आउटपुट चेंज हो रही है, इस वाले केस में 1 हो जाती है, इस वाले केस में 0 हो जाती है। तो यहाँ तो हम 0 को तो कोई बेस बना ही नहीं सकते कि अगर हमारे पास एक इनपुट 0 आ जाए तो हमारे आउटपुट पता होनी चाहिए कि हमें कैसी मिलेगी। अगर हम इन दो वंस को देखें तो इन दोनों जब भी वन एक इनपुट हमारी जो है वो 1 हो रही है तो हमें आउटपुट मिल रही है 0। अगर एक इनपुट कोई भी, मैं रिपीट करता हूँ, अगर हमारी कोई एक भी इनपुट जो है वो 1 हो रही है तो हमें आउटपुट मिल रही है 0। कोई भी एक इनपुट हमारे पास 1 होती है तो हमें आउटपुट मिलती है 0। इसका मतलब है हम 1 पे एक चेक ऐसा, हम 1 को एक ऐसी अपनी बेस बना सकते हैं कि अगर हमारी कोई भी इनपुट 1 होगी तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब है ये जो सर्किट है अगर ये 1 हमें इनपुट मिल गई है तो हमारा जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारा सर्किट जो है वो वर्क हम इसको फर्दर करा सकते हैं कि ये 0 यहां से पास होके यहां पे आ जाएगा, सॉरी ये जो इनपुट है इसने यहां पे आना है। अब हमारे पास एक इनपुट ये भी 0 होगी और एक इनपुट ये भी 0 होगी। इन 0 0 पे हम चेक करें तो हमारे पास आउटपुट ये, सॉरी इस केस पे हम आ गए, अब 0 0 पे हमारी आउटपुट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारा Q जो है वो क्या हो जाता है, 0 एंड Q बार इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, 1। और अगर हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी अगर हम उसको देखें तो उसके भी बेस हम बनाएं तो उसके भी अकॉर्डिंगली ये बात हमारी जो है वो वैलिड है, क्या कि अगर हमारी रीसेट की वैल्यू 1 हो जाती है तो हमारी क्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और उसको हमने जो है वो वेरीफाई कर लिया है यहाँ पे ट्रुथ टेबल से। अब हमने हमारी एक हमने यहाँ से इनपुट पास किया, हमारी आउटपुट तो आ गई। अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो आउटपुट आई है 0, क्यू की जो आउटपुट है 0 एंड क्यू बार की जो आउटपुट है 1, क्या ये लैच होल्ड करके रखता है, ताकि क्योंकि हम कह रहे हैं कि लैच एक मेमोरी एलिमेंट है तो मेमोरी एलिमेंट का क्या फंक्शन होना चाहिए कि उसने जो आउटपुट उसे प्रीवियस मिली है वो उसको होल्ड करके अपने पास स्टोर करके एक्चुअली रखे। तो उसको हम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो अपनी दोनों इनपुट्स को जो है वो 0 कर देते हैं, एस को भी 0 कर देते हैं। अब हम जो है वो अब हमने चेक करना है कि क्या ये वर्क कर रही है एज अ स्टोरेज डिवाइस या नहीं, स्टोरेज एलिमेंट कह सकते हैं हम इसको। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम s को भी 0 कर देते हैं और r को भी 0 कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमें आउटपुट जो है वो यही मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अब हमने s को 0 कर दिया और r को भी हमने 0 कर दिया। अब हमने जो है वो एक पाथ से चलना शुरू करेंगे और दूसरे पाथ पे चल जाएंगे। हमने s की वैल्यू भी 0 कर दी एंड r की वैल्यू भी 0 कर दी। अब हम Q1 हम जो है वो लास्ट इनपुट लेते हैं, Q बार जो है एक्चुअली हमारे पास वो थी 1।
अब ये वन इस पाथ में हम जो है वो फीड करते हैं, ये वन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब वन एंड जीरो हम चेक करें तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, इस केस में आ जाएंगे वन एंड जीरो, हमें आउटपुट मिलेगी जीरो। अब ये जीरो हमारे पास यहाँ आ जाएगा जीरो एंड जीरो, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी फिर वन। तो इसका मतलब है कि जब एस जीरो हमने चेंज किया इस स्टेट से इस स्टेट पे आ गए हैं हम, तब भी हमें क्यू की आंसर जो है वो जीरो मिल रहा है एंड क्यू बार की वैल्यू वन में। इसका मतलब है कि जो हमारी लैच है वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है। उसके साथ साथ हमने एक ये भी चीज़ देख ली है कि ये जो जीरो जीरो की स्टेट होती है हमारे पास, जिसमें दोनों जीरो होंगे, दोनों इनपुट्स हमारे पास जीरो होती हैं, तो उस स्टेट में हमारी जो लैच है वो मेमोरी का काम कर रही है। कि जीरो जीरो जब भी हम देते हैं तो हमारी जो प्रीवियस स्टेट है वही हमारे पास रहती है। अब हम केस टू पे आ जाते हैं। इस केस में हमारे पास एस वन हो गए एंड आर हमारे पास जो है वो जीरो हो गए। उसी तरह ही हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है एंड क्यू बार की वैल्यू फाइंड करनी है। एस हमारे पास हो गया है वन एंड आर हमारे पास हो गया है जीरो। उसी तरह वन के लिए हमने केस पढ़ा हुआ था कि अगर एक भी इनपुट वन हो जाए तो हमारे पास आउटपुट जीरो हो जाती है। तो हमारा जीरो यहाँ पे ट्रेवल हो जाएगा, जीरो एंड ये जीरो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जीरो एंड जीरो हमारे पास पता है आउटपुट क्या होती है वन। तो हमारी जो क्यू की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी वन एंड क्यू बार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जीरो। अगर इसको हम जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी उससे कंपेयर करके चेक भी करना चाहें तो उससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। हमने कहा था कि जब हमारे पास एस की वैल्यू वन होती है तो हमारे पास क्यू का आंसर वन आता है, तो यहाँ से वो बार वैलिड हमारे पास हो रही है जो हमने ट्रू टेबल के थ्रू वेरीफाई की है। अब इसी तरह हमने चेक करना है कि ये क्या स्टोरेज के लिए परफॉर्म कर रही है या नहीं। तो उसी तरह चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी एस को भी हम जो है वो ज़ीरो कर देंगे एंड आर को भी हम ज़ीरो कर लेंगे। और एक साइड से जो है वो हम चलना शुरू करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो है वो इसने मेमोरी एलिमेंट का काम किया है या नहीं। तो हम लेट्स से एज इन यहाँ से चलना फॉर एग्जांपल इस दफ़ा शुरू कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से भी चलें और सर्किट को की वर्किंग चेक करें तो हमारे पास सेम ही रिजल्ट जनरेट होके आएगा। वन वन अगर हमारे पास यहाँ आ जाए जीरो एंड वन, तो जीरो एंड वन पे हमारे पास आंसर आता है जीरो। क्यू बार आ गया हमारे पास जीरो, ये जीरो वापस हम यहाँ पे फीड करें तो जीरो एंड जीरो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा वन। इसका मतलब है कि इसने मेमोरी एलिमेंट का काम किया है और हमारी प्रीवियस जो आउटपुट्स आई थी उन्हीं को ही होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ तक तो हमारे दो केस जो हैं वो वेरीफाई हो गए। केस थ्री हमारे पास आ जाता है इसके बाद, जिसमें एस बी वन हो एंड आर भी हमारे पास वन। इस केस में हमने चेक करना है कि हमारे पास Q एंड Q बार की वैल्यू क्या होगी। अब हमारे पास R की वैल्यू भी वन होगी और S की वैल्यू भी वन होगी। वन के केस में हमारे पास क्या होता है कि दोनों आउटपुट्स जो हैं वो जीरो आ जाती हैं। अब अगर एक हम जनरली सोचें बात के, ये हम क्यू कहते हैं और इसको कहते हैं क्यू बार, इसका मतलब है ऑपोजिट ऑफ क्यू, तो यहाँ तो ये केस वेरी वैलिड ही नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से भी आंसर ज़ीरो आ गया और यहाँ से भी आंसर हमारे पास ज़ीरो आ गया। लेकिन अगर हम फर्दर इसको फिर भी हम चेक करना चाहें, हमें तो एक तो हमें यहीं से देख के ही नज़र आ गया कि ये केस जो है वो हमारे पास वैलिड नहीं है। इसका मतलब है इस केस में हमारी जो है वो लैच कोई भी काम जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी। हमें नहीं पता कि इस केस में हमारे पास क्यू एंड क्यू बार की वैल्यू क्या हो सकती है। क्यों उसको हम चेक किस तरह कर सकते हैं कि अब हम फिर उसी तरह क्या करेंगे, हम अपनी जो हमारे पास आंसर तो आ गया जीरो एंड जीरो, हम चेक करते हैं फिर भी कि क्या ये अगर हम इसको सेट एंड रीसेट दोनों की वैल्यू को अगर जीरो करें तो जिस तरह बाकी दोनों केसेस में हमारे पास प्रीवियस जो आंसर था वो होल्ड हो रहा था, क्या इस केस में भी हमारे पास वो आंसर होल्ड होता है या नहीं।
तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसको दोनों आंसर्स को, दोनों वैल्यूज को जीरो कर लेंगे। एक साइड से अब हम जो है वो चलना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल इस साइड से। अब ये जीरो हमारे पास आ गया, जीरो एंड जीरो यहाँ पे आ गया। जीरो जीरो पे आउटपुट हमें क्या मिल रही है, वन, जबकि हमारी प्रीवियस आउटपुट थी वो थी जीरो, अब हमें मिल गई है वन। अब ये वन यहाँ पे फीड हो रहा है वापस वन एंड जीरो, और वन एंड जीरो पे हमें क्यू की वैल्यू तो जीरो मिली। इसका मतलब है हमें एक वैल्यू तो वही मिली है लेकिन एक वैल्यू हमारी चेंज हो गई है। और हमने यहाँ पे, मैं ये भी लिख लेता हूँ कि हमने जो है वो इस साइड से जो है वो चलना शुरू किया था कि क्यू वाली साइड से, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास क्यू का आंसर तो जीरो ही रहा एंड क्यू बार का आंसर हमारे पास आ गया वन। अब क्यू का आंसर तो इसने होल्ड किया लेकिन क्यू बार का आंसर इसने होल्ड नहीं किया, उसका मतलब है ये चीज़ तो हमारे पास गलत हो गई। लेकिन हम फर्दर इसको चेक करते हैं कि अब हम इस साइड से जो है वो अपनी वर्किंग शुरू करते हैं, चेक करते हैं कि क्या उस केस में हमारे पास ये केस जो है वो ट्रू होता है या नहीं। अब हम जो है वो फिर इस केस को अपने चेक करने लगे। ये जो ये वाला केस है, सेट और रीसेट दोनों की वैल्यू हमने जीरो कर दी, क्यू एंड क्यू बार दोनों हमारे पास जीरो आ रहे हैं। अब हम यहां से चेक करते हैं, लास्ट में हमने यहां से जो अपना फ्लो चेक करना शुरू किया था। अब जो है वो हम चेक करते हैं कि ये जीरो यहां से ट्रेवल होकर यहां पे जाएगा, जीरो एंड जीरो पे हमारे पास आउटपुट हो जाती है वन। अब ये वन यहां पे हमारे पास फीडबैक होके यहां पे आएगा वन एंड जीरो, और यहां पे हमारे पास रह रही है आउटपुट जीरो। इसका मतलब है कि जब अब हमने दोबारा एस इज इक्वल टू जीरो किया और आर इज इक्वल टू जीरो किया और हमने फ्लो जो है वो अपना क्यू बार से चलाना शुरू किया, तो हमारे पास क्यू का आंसर वन हो गया एंड क्यू बार का आंसर हमारे पास जो प्रीवियस था वही होल्ड करके उसने रख लिया। तो एक केस में हमारे पास ये हो गया, एक फ्लो में हमारे पास ये हो गया। इसका मतलब है कि ये तो हमारे पास कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक फ्लो से कोई और आंसर जनरेट होके आ रहा है एंड एक फ्लो से कोई और आंसर हमारे पास जनरेट होके आ रहा है। तो इसका मतलब है ये केस हमारे पास जो है वो हम यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे पास क्यू एंड क्यू बार का आंसर एक्चुअली क्या आ रहा है, या वो हमारे पास एज अ मेमोरी एलिमेंट काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में को अगर हम देखें तो हमारे पास ये यूज़ हो रहा है मेमोरी एलिमेंट में, इस केस में जो है वो हमारे पास क्यू का आंसर जो है वो जब एस इज इक्वल टू जीरो एंड आर इज इक्वल टू वन हमने एज्यूम किया, तो हमारे पास क्यू का आंसर जीरो आ जाता है एंड क्यू बार का आंसर आ जाता है हमारे पास वन। इस केस को अगर देखें नेक्स्ट वाले को वन एंड जीरो, इसमें हमारे पास क्यू का आंसर आ जाता है वन एंड क्यू बार का आंसर आ जाता है हमारे पास जीरो, और इस केस को जो है वो हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास यूज ही नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास जो है अगर हम नैंड गेट से अपनी जो है वो लैच बनाना चाहें, तो ये हमारे पास उसका जो है वो सर्किट होगा। इस सर्किट में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक तो हमारे पास नॉर की जगह नैंड गेट यूज हो गई है और हमारे पास सेट एंड रीसेट की वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो गई है। जहां पे रीसेट था वहां पे हमारे पास सेट हो गया और जहां पे सेट था वहां पे हमारे पास रीसेट आ गया। अगर हम नैंड गेट का उसी तरह ट्रू टेबल देखें तो ये थोड़ा सा ऑपोजिट ऑफ नॉर चल रही होती है। अब हमारे पास जो नॉर में जीरो एंड जीरो हमारे पास मेमोरी का काम कर रहा होता था, यहाँ पे हमारे पास वन वन जो है वो मेमोरी का काम कर रहा होगा, और जिस तरह यहाँ पे वन वन हमारे पास नॉट यूज हो रहा था इसी तरह हमारे पास जो वन वन है वो यहाँ पे नैंड के केस में हमारे पास जीरो जीरो जो है वो हमारे पास यूज नहीं होगा। इसी तरह जब सेट एंड रीसेट के केस में सेट जीरो हो रहा था एंड रीसेट हमारे पास वन हो रहा था, तो हमारे पास आउटपुट आ रही थी क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू बार इज इक्वल टू वन। ये भी हमारे पास इधर ऑपोजिट हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्यू वन आ जाएगा एंड क्यू बार हमारे पास आ जाएगा जीरो।
इस तरह इस केस में हमारे पास आ जाएगा q 0 एंड q बार हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये अपोजिट ऑफ जिस तरह जो नॉर गेट हमारे पास चल रहा था, अपोजिट ऑफ नॉर गेट हमारे पास चलेगा अगर हमारे पास नैंड गेट की लैच यूज हो रही होगी। तो उम्मीद है आपको जो है वो लैच समझ आ गया होगा, नॉर गेट से लैच की वर्किंग एंड नैंड गेट से भी अगर आप करना चाहें तो नैंड गेट से वर्किंग किस तरह परफॉर्म होगी लैच की।